हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल केयर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लेरिबेट टैबलेट के बारे में। दोस्तों, जो क्लेरिबेट 500 टैबलेट होता है, जिसका यूज़ दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन में की जाती है, जो क्लेरिबेट एक एंटीबायोटिक होती है, तो आगे की वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं, जैसे कि यूज़ क्या होता है इसका, साइड इफेक्ट क्या होता है, डोज क्या होता है, किन लोगों में देनी चाहिए, किन लोगों में नहीं देनी चाहिए, कब अवॉइड करनी चाहिए, तो पूरी डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो क्लेरिबेट होता है, ये एबॉट कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है, जो कि दोस्तों इसमें इंग्रेडिएंट की बात करें, जो मुख्य साल्ट होता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन पाई जाती है 500 mg में, जो कि दोस्तों ये एक माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है। जैसे कि किसी तरह की बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा की जाती है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है। दोस्तों, ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है एंड टैबलेट के फॉर्म में भी आता है। जिसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 250 mg में एंड 500 mg में मिलती है, अवेलेबल होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में, यूज़ क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे बॉडी में बैक्टीरियासाइडल की तरह ये काम करता है। जैसे कि बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं एंड इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने में एंड इन्फेक्शन में राहत देने के लिए। तो जैसे कि आपको दोस्तों चेस्ट अपर रेस्पायरेटरी या लोअर रेस्पायरेटरी से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है। जैसे कि आपको ब्रोंकाइटिस हो जाती है। ब्रोंकाइटिस दोस्तों वो कंडीशन होता है जिसमें हमारे जो ब्रोंकियल्स होते हैं, फेफड़े के जो ब्रोंकियल्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल में पौधे ले लेते हैं, पौधों में तने जो होते हैं, तने बहुत से ऐसे तने निकले होते हैं, जैसे कि एक पौधा तो इधर से तने निकलते हैं, वैसे हमारे लंग्स में यानी कि फेफड़े में भी ब्रोंकियोल्स होते हैं, तने होते हैं, जो कि एयर को हम जो इनहेल हम करते हैं जैसे एयर को, तो उसमें फेफड़े तक ले जाने में मदद करती है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, ब्रोंकियोल्स में क्या होता है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, यानी कि इन्फ्लामेशन सूजन हो जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जिसमें कि उसमें क्या होता है, स्प्यूटम भर जाते हैं, पस भर जाते हैं, जिससे कि सांस लेने में हमें काफ़ी डिफिकल्टी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी दिया जाता है। या दोस्तों आपको जैसे कि रेस्पायरेटरी सिस्टम से, रेस्पायरेटरी ट्रैक से कोई और इन्फेक्शन, जैसे कि आपको निमोनिया हो जाता है। निमोनिया दोस्तों होता क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे जो लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स में, राइट एंड लेफ्ट लंग्स में क्या होता है, वो उसमें पस भर जाते हैं, फ्लूड भर जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, जिसमें कि जो हमारे एयर सैक होते हैं, यानी कि जो हमारे एल्वोलाई होते हैं, जिसमें एयर डिपोजिट होते हैं, जो इनहेल करते हैं हम, प्योर एयर जो होता है एल्वोलाई में इकट्ठा होता है और टिश्यू को देते हैं, सर्कुलेट करते हैं, तो उनमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसमें एल्वोलाई धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, तो निमोनिया एक सीरियस कंडीशन होता है दोस्तों, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। या दोस्तों आपके फेस पे किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि एक्नी हो गई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या पिंपल की शिकायत हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है डॉक्टर द्वारा। या दोस्तों जैसे आपको टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, यानी कि जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं, थोराइड में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है गले में, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों उपयोग किया जाता है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। आपके दोस्तों एयर नली में किसी के तरह का जो वाइंड पाइप, जो हवा इनहेल करते हैं, एयर इनहेल करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा एयर नली होता है उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। ये रहे दोस्तों इसके यूज़ के बारे में। या दोस्तों आपको अगर किसी तरह के लोअर पार्ट में, जैसे कि आपके एब्डोमिनल में या ड्यूडिनल अल्सर हो जाता है, ड्यूडिनल अल्सर होता कैसे है दोस्तों, पेप्टिक अल्सर होता कैसे है, ये दोस्तों एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण की वजह से होता है। तो दोस्तों क्लेरिबेट जो टैबलेट होता है, इसके यूज से क्या होता है, पेप्टिक ड्यूडिनल अल्सर भी ठीक होने लगते हैं और बैक्टीरिया किल हो जाता है। ये दोस्तों वर्क कैसे करता है, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, उसके प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, जो प्रोटीन निर्माण होता है उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे कि प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है एंड बैक्टीरिया इस तरह से धीरे धीरे उसकी ग्रोथ को कम रोक देता है, स्टॉप कर देता है। अब दोस्तों ये यूज हो गए, ये दोस्तों काम कैसे करता है, जैसे कि हमारे जो ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उन पर एक्ट करता है, दोनों में ये हेल्पफुल है। अब दोस्तों डोज देख लेते हैं, इसका डोज क्या होता है। तो डोज जो इसका होता है, पहले 250 mg देते हैं नॉर्मल कंडीशन में, सुबह शाम देते हैं एवरी 6 आवर्स, यानी कि हर 6 घंटे में सुबह शाम देते हैं। जैसे कि 6 घंटे में पहली डोज 250 mg दी, फिर दूसरी डोज 250 mg देते हैं 6-6 घंटे पे, यानी कि दिन में एक से दो बार देते हैं। या दोस्तों आपको सीवियर कंडीशन है, जैसे निमोनिया वगैरह हो गया, तो उस कंडीशन में आपको 500 mg दी जाती है
14 दिन के लिए दी जाती है अगर सीवियर कंडीशन कोई डिजीज है, अगर नॉर्मल है तो दोस्तों 7 दिन के लिए दी जाती है। ये इसके डोज होते हैं दोस्तों। इसकी वार्निंग की बात करें तो अगर जैसे कि आप क्लेरिबिट इंजेक्शन वो क्लेरिबिट टेबलेट ले रहे हैं तो उसके साथ जैसे दोस्तों एंटा एसिड ना लें, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया या आयरन हो गया, उसके साथ ना लें। इसके 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले लें, क्योंकि जैसे कि आयरन या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, इसकी पोटेंसी को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, जिससे ये वर्क प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो इसको लेने से पहले आप 1 या 2 घंटे का गैप जरूर करें। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो दोस्तों जो अगर आपको बच्चा 12 साल का बिलो है, अगर 12 साल से कम बच्चा है तो उसको नहीं देना है, या वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनको नहीं देना है, क्योंकि ये बच्चे को हार्मफुल इफेक्ट पहुँचा सकता है। और बात करें दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में, साइड इफेक्ट क्या होता है, आपको हेडेक हो सकता है, डिजनेस हो सकती है, इनसोमनिया हो सकती है यानी कि नींद आने में डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको, या दोस्तों इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको दोस्तों हेडेक हो सकता है, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस की क्लेरिबिट टेबलेट के बारे में। तो वीडियो कैसी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।